Dejo. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, देखोगे लास्ट क्लास में जो हम लोग पढ़े हुए थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वहां पे बात कर रहे थे कि लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है। मीडियम का मतलब क्या? ऑप्टिकल मीडियम। और ये मीडियम कैसा हो सकता है? ट्रांसपेरेंट हो सकता है या ट्रांसलूसेंट हो सकता है। जब भी हम लोग लाइट प्रोपेगेशन का बात करते हैं तो लाइट प्रोपेगेट किस तरह के मीडियम में कर सकता है? या तो ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा या फिर ट्रांसलूसेंट मीडियम होगा। ठीक है, तो देखो जो ऑप्टिकल मीडियम है, कोई भी ऑप्टिकल मीडियम को एक टर्म से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और एक टर्म के बारे में हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, मीडियम मतलब ऑफ एन ऑप्टिकल मीडियम क्या है, ध्यान देना। डेफिनेशन इजीली याद हो जाएगा, यहां से समझ लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग डिनोट करते हैं म्यू से। ये म्यू है, ये एक सिंबल है जिसको हम लोग पढ़ते हैं म्यू। ठीक है, एक लैटिन सिंबल है, म्यू पढ़ते हैं। यू लिखने जैसा, यू लिखने जैसा, ये थोड़ा लाइन लंबा है और ये थोड़ा घुमा हुआ है ऐसा। ठीक है, म्यू। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से डिनोट करते हैं। और कोई एक मीडियम हो सकता है, सपोज लाइट किस किस मीडियम से पास कर सकता है, कुछ एग्जांपल दे सकते हो? जैसे एयर हो गया, वैक्यूम हो गया, और आप लोग मुझे बताओ और क्या क्या हो सकता है सर? वाटर। वाटर तो सही, वाटर और ग्लास। ग्लास और डायमंड, कोई ऑयल हो सकता है। ठीक है, कोई लिक्विड भी और भी हो सकता है, अल्कोहल वगैरह हो सकता है। तो लाइट पास करता है इससे। तो वैसे ही मीडियम का हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे। सपोज कुछ एग्जांपल भी लेते हैं, किसी भी मीडियम का जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन, तो हम लोग लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, ऊपर लिखेंगे। स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम नीचे लिखेंगे। और जो रेशियो, एक न्यूमरिक वैल्यू आएगा, एक न्यूमरिक वैल्यू आएगा, और उसी न्यूमरिक वैल्यू को हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। ठीक है, जैसे एग्जांपल यदि हम ले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर यदि हम निकालना चाह रहे हैं, तो हम बोलेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को डिनोट करते हैं सी से, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर ये हम लिखेंगे और दोनों वैल्यू लिखते हैं। तो ये वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वाटर में स्पीड ऑफ लाइट है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कैंसल होगा, कैंसल होगा, ये फाइनली आएगा क्या, पॉइंट हटाओगे
300 बाय 225 ब्रेक करोगे आएगा 183, ठीक है, कैलकुलेट करोगे बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू ये होगा, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बोलेंगे कितना है, बोला जाएगा 1.33। क्या किए, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ऊपर रखे, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर नीचे रखे, डिवाइड किए, एक जो वैल्यू आया इसी को हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। मतलब जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है ये नीचे रखेंगे। दूसरा यदि एग्जांपल समझे, दो एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं ताकि हम कंपेयर कर सके, कंपेयर करके कुछ पॉइंट्स याद करवाने वाले हैं। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ऐसा ही होगा, कैंसल होगा, 3/2 वैल्यू आएगा 1.5, ठीक है। अच्छा ये देखो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, यदि ऑप्टिकल मीडियम का डेंसिटी बढ़ा रहे, वाटर और ग्लास में डेंसिटी किसका ज्यादा है, बताओगे, ग्लास का है ना। तो जब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, सॉरी ग्लास का, ग्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, यहां से ये भी आप समझ सकते हो कि वाटर और ग्लास में क्या है, ग्लास का डेंसिटी ज्यादा है, जब डेंसिटी ज्यादा होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा। देखो वाटर में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, और आगे भी कई ऐसे यदि आप ऑप्टिकल मीडियम लोगे तो आप पाओगे डेंसिटी जैसे जैसे बढ़ेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बढ़ेगा। तो एक्चुअल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पढ़ने का मीनिंग यही है कि हम लोग अलग अलग मीडियम का डेंसिटी को कंपेयर कर सकते हैं, अलग अलग मीडियम में क्या स्पीड ऑफ लाइट होगा कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला एक पॉइंट आपके पास आ रहा है कि डेंसिटी मीडियम का बढ़ेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बढ़ेगा, पहला, ठीक है, पहला पॉइंट लिखते हैं नोट के ऊपर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आर डॉट आई से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट के लिए लिख देते हैं। फर्स्ट पॉइंट, अच्छा देखो तो वाटर और ग्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का ज्यादा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब ज्यादा होगा तो दोनों का यदि कंपेयर करें तो स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में कम है कि ज्यादा है, दोनों का कंपेयर यदि करें वाटर और ग्लास में, वाटर और ग्लास दोनों में कंपेयर आप करके बताओ स्पीड ऑफ लाइट किस में ज्यादा है, हाँ जी बताओ, आवाज आ रही है ना, बोलो, नो आइडिया, यहाँ पे सारा डाटा दिया हुआ है उससे हम पूछ रहे हैं सब ग्लास और वाटर किसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है बताओ, तो ग्लास, ग्लास में स्पीड ऑफ नहीं कम है,
स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में है 2 × 10⁸। वाटर में क्या है 2.25 × 10⁸। बड़ा वैल्यू कौन है बताओ, ये या ये? सर 2.25। तो वाटर में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है, ठीक है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है? मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यदि बढ़ाया जाए, दो मीडियम में यदि हम लोग देख रहे हैं कि एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसका मतलब क्या है कि उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम है, ठीक है? तो ये भी पॉइंट लिखते हैं, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डेंसिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का और स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, ठीक है? तो ये भी लिखते हैं। द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम In the medium, the value of speed of light in the medium decreases with the increase of refractive index. ये दो पॉइंट को समझ गए जो लास्ट में लिखा है, बताओगे? ये दोनों पॉइंट समझ गए? दिक्कत है कि नहीं को? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। मिटा दे, देखो ध्यान दोगे, अभी जो हम बताए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, इसको हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। तो क्या फॉर्मूला बताया? सी बाय बी। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, देखो ध्यान देना, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग किसको बोलते हैं, जब स्पीड ऑफ लाइट को कंपेयर किया गया किसी एक मीडियम का और स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में जो है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट को हम कंपेयर कहां कहां कर रहे हैं, कहां कहां लिया गया,
वैक्यूम में क्या स्पीड ऑफ लाइट है और उस मीडियम में क्या स्पीड ऑफ लाइट, मतलब कंपेयर करने का तरीका हुआ मैक्सिमम जो स्पीड है स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में जो है या एयर में जो है वो, लेकिन रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको बोलेंगे, जब हम लोग स्पीड ऑफ लाइट को किसी दो मीडियम में कंपेयर करेंगे अदर देन वैक्यूम, जब स्पीड ऑफ लाइट को कंपेयर हम लोग करते हैं दो मीडियम और उसमें वैक्यूम इन्वॉल्व नहीं होगा तो इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें क्या होता है देखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम वन विथ रेस्पेक्ट टू टू, फॉर्मूला ये कहता है कि जब हम फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले रहे हैं सेकंड मीडियम के रेस्पेक्ट में, कंपेयर कर रहे हैं सेकंड मीडियम, तो जिससे कंपेयर करते हैं उसका वैल्यू हम लोग नीचे लिखते हैं, तो ये होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू और यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन, ठीक है। ये हम एग्जाम्पल से समझाते हैं अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, अभी तो फॉर्मूला लिख लो बस। और यहाँ पे होगा स्पीड ऑफ लाइट इन इन मीडियम टू बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन, ये फॉर्मूला है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए फॉर्मूला है, लेकिन कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव, एग्जाम्पल से हम समझा रहे हैं। देखोगे यदि आपको पूछा जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, W फॉर वाटर, तो हम बोलेंगे किसका निकाल रहे हैं, ग्लास का निकाल रहे हैं, जिसका निकाल रहे हैं वो ऊपर होगा, जिसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं वो नीचे होगा, ठीक है। तो वैल्यू क्या आएगा, वैल्यू यदि हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आपका आएगा क्या, यदि आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, फिर वाटर का क्या 1.33, ठीक है, पॉइंट यदि आप हटा दो ये होगा तो वैल्यू क्या आएगा, 1 point something आएगा, 1.1 के आसपास आएगा। तो ध्यान देना यहां पे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं किसका और किसका, देखोगे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं वाटर के रेस्पेक्ट में, मतलब हमको ये देखना है कि ग्लास का डेंसिटी वाटर के रेस्पेक्ट में कितना टाइम्स है, 1.1 टाइम्स, वाटर से यदि कंपेयर करें तो 1.1 टाइम्स, या स्पीड ऑफ लाइट उसमें कितना है, वाटर में जितना होता है उसका 1.1 टाइम्स ज्यादा होता है, कहां पे, ग्लास पे, ठीक है। ये है, इसी को यदि हम स्पीड से वैल्यू निकालना चाहें, देखोगे तो हमारे पास ये होगा कि हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हमको नहीं पता, तो फाइंड यदि करेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं। देखोगे ग्लास के लिए क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, इसके लिए क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, कट गया ये दोनों, ये ऊपर जाएगा और ये क्या होगा, नीचे आएगा, मतलब वी डब्ल्यू बाय वी जी, और यहां से भी वैल्यू यही आएगा। देखो इसी को यदि हम आगे बढ़ाते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर 2.25 into 10 to the power 8 by glass में 2 into 10 to the power 8, काटो तो यहाँ पे वैल्यू आएगा 225 by 200, 2 से यदि कैंसिल करते हो मतलब आएगा 1.125, यहाँ पे भी एग्जैक्ट वैल्यू आपका यही आएगा 1.125,
मतलब देखोगे फॉर्मूला को हम समझा रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का निकाल रहे हैं, मीडियम वन का निकाल रहे हैं टू के रेस्पेक्ट में, तो जिस मीडियम का निकाल रहे हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ऊपर, जिसके रेस्पेक्ट में वो नीचे, लेकिन स्पीड के केस में वो बदल जाएगा, ये पलट गया, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन, क्यों पलट रहा है यहां पे देख सकते हो, ठीक है। यदि हम यहां पे बोलेंगे देख लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम वन का निकालेंगे तो क्या होगा, देखोगे यहां से c बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन, ये यहां पे जब होगा c बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू कटेगा, ये ऊपर जाएगा ये नीचे है, इससे ऐसा है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब हम लोग स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में ऊपर रखें, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम नीचे रहेगा, लेकिन यदि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेगा इसका मतलब क्या है, हम लोग स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम के बारे में बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे, दो अलग अलग मीडियम होगा, वो दोनों मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या है, ठीक है, उसी के अनुसार रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। कोई कंफ्यूजन होगा तो बताओगे, यहां पे पूछ लो, और भी कई फार्मूला आने वाला है इसलिए यहां से कोई दिक्कत है तो बताओगे, दिक्कत है कहीं किसी को, हाँ जी, नो सर, चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, ये फॉर्मूला बहुत सारे आएंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये पहला है, ये सेकंड है, इसका एग्जांपल था ये, और भी कई आएगा, चलो सीरियली हम बताते जाते हैं। मिटा दे, मिटा दे ना, यस सर, देखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बस वही था, आगे जितना भी डिस्कस कर रहे हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो और देखोगे एक तीसरा रिलेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू टू इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विथ रेस्पेक्ट टू वन इक्वल टू वन, ये एक फॉर्मूला है, एग्जाम्पल से समझो पता चल जाएगा, ध्यान देना, वन के बदले में ग्लास सोच रहे हैं, टू के बदले में वाटर, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का वाटर के रेस्पेक्ट में, वैल्यू यदि निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, देखोगे ग्लास का निकाल रहे हैं मतलब ये होगा वाटर के रेस्पेक्ट में, तो वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां होगा, यहां पे भी सेम, यहां पे बताओ क्या होगा, आप लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, बिल्कुल सही, रिलेटिव है और यहां पे एब्सोल्यूट है, तो देखो तो ये कैंसिल हो जा रहा है ना, फाइनल वैल्यू क्या आया, वन, तो यही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम का दूसरे के रेस्पेक्ट में, फिर दूसरे का पहले के रेस्पेक्ट में प्रोडक्ट क्या होगा, वन, इसी को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, ध्यान देना, इंप्लाई दैट कर, मतलब देखोगे क्वेश्चन क्या देगा, क्वेश्चन ऐसा देगा, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास With respect to water equal to 1.125 और पूछ देगा then refractive index of water with respect to glass क्या हो, glass का water के respect में ये है, आपको निकालना है water का glass के respect में, क्या करेंगे,
इस वैल्यू को पलट देंगे, पलट देंगे मतलब रेसिप्रोकल ले लेंगे, लिखेंगे, ध्यान देना सोर्स में ऐसा क्वेश्चन हम देंगे बनाने के लिए, इसलिए हम समझाते भी जा रहे हैं। तो हम बोलेंगे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालना है ग्लास के रेस्पेक्ट में, तो हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू 1 बाय रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर। देख लो 1, 2 के रेस्पेक्ट में इक्वल टू 1/2 का 1 के रेस्पेक्ट, तो आपके पास क्या आएगा 1/1.125, 1000/1.125। एग्जैक्ट वैल्यू तो हम नहीं निकाल रहे हैं, अप्रोक्स निकाल दे रहे हैं 0.9। पॉइंट के और आगे जाना है तो आप लोग कर लेना, अप्रोक्स वैल्यू लिखें क्या 0.9, ठीक है। मतलब ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट जितना है, ठीक है, वाटर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ग्लास के रेस्पेक्ट में कितना है 0.9 टाइम्स, ठीक है, 0.9 टाइम्स मतलब कम है, 1 से छोटा वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब कम होगा, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होगा उससे कम है, ठीक है। ये फॉर्मूला समझ गए, थर्ड फॉर्मूला। यस सर, ठीक है, देखो आप मिटा रहे हैं, ध्यान देना ये जो फॉर्मूला है 2 मीडियम के लिए है, ये 3 मीडियम के लिए भी लागू होता है। देखोगे इसी को हम कंटिन्यू करते हैं, तीन मीडियम वाला भी दिख सकता है, 1/2 के रेस्पेक्ट में, 2/3 के रेस्पेक्ट में, 3/1 के रेस्पेक्ट में, प्रोडक्ट लेंगे 1। अब देखो जो रेस्पेक्ट में है वो ऊपर लिखे हैं, जिसका वैल्यू निकाल रहे हैं वो नीचे लिखे हैं। आप इसे ट्रीट करो जैसे ये न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, सारा कट रहा है कि नहीं, देखो कट रहा है, कट रहा है, 1/1 भी कट रहा है, मतलब ऑर्डर सही है आपका, और यदि नहीं कट रहा है तो पलट के लिखना होगा तब ऑर्डर सही होगा। क्यों होगा देख लो, यदि एग्जांपल लेना चाहोगे एग्जांपल से भी देख लेते हैं, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास वाटर के रेस्पेक्ट में, वाटर का डायमंड के रेस्पेक्ट में और डायमंड का ग्लास के रेस्पेक्ट, ग्लास ग्लास कटेगा, डायमंड डायमंड कटेगा, वाटर वाटर कटेगा। अब करके भी देखो, ग्लास का निकाल रहे हो ग्लास ऊपर रहेगा वाटर नीचे रहेगा, वाटर निकाल रहे हो वाटर यहाँ डायमंड के रेस्पेक्ट में नीचे, डायमंड का निकाल रहे हैं ग्लास के रेस्पेक्ट में नीचे, कट जाएगा, कटाइए डायमंड डायमंड, वाटर वाटर, प्रोडक्ट क्या आएगा 1। फोर्थ, थर्ड और फोर्थ एक जैसा है, क्लियर है, कोई दिक्कत? देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा, ध्यान देना, ये एग्जांपल क्वेश्चन ही दे देता है कभी कभी, इफ ये वैल्यू दे दिया, ये वैल्यू दे दिया और ये वैल्यू निकालने दिया, तो आप क्या करोगे, तीनों का प्रोडक्ट 1 लिखोगे, 2 का वैल्यू पुट करोगे, तीसरा निकल जाएगा, क्वेश्चन ऐसा देगा, क्लियर है? यस सर, ठीक है, ये मिटाते हैं हम, आगे और भी कुछ फॉर्मूला बता रहे हैं।
देखोगे लास्ट क्लास में हम बताए थे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ, साइन आई बाय साइन आर हमेशा कांस्टेंट होता है, वो एक फिक्स्ड वैल्यू देगा, और वो जो फिक्स्ड वैल्यू होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। देखोगे ध्यान देना, ये यदि मीडियम वन है, मीडियम वन से मीडियम टू में लाइट रे जा रहा है, तो इस तरह से सब पूछ, ये रेयरर है, ये डेंसर है, ये नॉर्मल, या इसको डॉट नहीं कंप्लीटली लिखा है, ये नॉर्मल है, सपोज जाना चाहिए था ऐसे बैंड किया, ये एंगल आई है, ये एंगल आर, ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे साइन आई बाय साइन आर किए, मान लो आई का वैल्यू है 45 डिग्री और आर का वैल्यू है 30 डिग्री, तो आप यहां पे लिखोगे साइन 45, साइन 30, साइन 45 का वैल्यू 0.7 के करीब होगा, आपको जो पता है 1 बाय रूट टू आप लिखोगे, आर साइन 30 का वैल्यू 1/2 लिखोगे, 2/√2 होगा, कटेगा तो रूट टू देगा, और रूट टू का मतलब क्या 1.414, मतलब ये वैल्यू जो आया साइन आई बाय साइन आर एक कांस्टेंट वैल्यू होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करेंगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी चेंज होगा, लेकिन इसका जो रेशियो होगा हमेशा एक फिक्स्ड वैल्यू देगा, और वो फिक्स्ड वैल्यू क्या होगा 1.414, और ये जो फिक्स्ड वैल्यू है ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अब भाई यहाँ पे तो दो मीडियम है, किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो जिस मीडियम में जा रहा है, मतलब मीडियम टू का है, किसके रेस्पेक्ट में, मीडियम वन के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे जो आपको मिल रहा है अकॉर्डिंग टू द डायग्राम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम वन, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, देख लीजिए समझ रहे हो कि नहीं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, जिस मीडियम में जा रहा है लाइट रे, जिससे जा रहा है, तो टू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा वन के रेस्पेक्ट में, कैसे निकलेगा, साइन आई बाय साइन आर बाय स्नेल्स लॉ। फिफ्थ फॉर्मूला समझ गए आप लोग, हाँ जी बताओगे? हाँ सर। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। तो और एक हम बता रहे हैं, हम चाहते हैं कि एक ही जगह पे सारा रह जाए, इसलिए नहीं मिटाते जा रहे हैं, और एक फॉर्मूला लिख रहे हैं, इसको मिटा दो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो मीडियम में डेंसर मीडियम का मिलेगा यहां पे, रियल डेप्थ बाय अपेरेंट डेप्थ, देखो ये पहले भी आपको पता है, आगे हम डिस्कस भी करते हैं। एक मान लो कि कंटेनर है, कंटेनर में यदि हम कॉइन रखें तो एक्चुअल डेप्थ ये है, रियल डेप्थ ये है, मान लो कि 10 सेंटीमीटर डेप्थ है जितना पानी रखा गया है, लेकिन कॉइन थोड़ा ऊपर अपीयर होता है ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। डायग्राम से यदि समझे तो इस तरह से होगा, यहां से जो लाइट रे जा रहा है ऐसे जाना चाहिए था सीधा, लेकिन नॉर्मल से वो दूर जाएगा तो इस तरह से चला गया, फिर यहां से एक लाइट रे गया, ये नॉर्मल है, जाना चाहिए था सीधा लेकिन टुवर्ड्स द नॉर्मल नहीं, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा, क्योंकि डेंसर से रेयर जा रहा है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड। हम लोग ऊपर से देखते हैं तो अपीयर होता है कि लाइट रे
स्टेट आ रहा है कहां से आ रहा है, ये से आ रहा है, ठीक है। तो जिस कारण से पॉइंट यहां ना दिखे यहां दिखता है, एक्चुअल में होता है यहां पे है, दिखता है यहां पे, इसका एक इमेज। तो ये हुआ क्या अपरेंट डेप्थ, ये क्या हुआ रियल डेप्थ, ठीक है। तो यहां पे यदि हम लोग डेंसर मीडियम, यहां पे डेंसर मीडियम कौन है, बाहर एयर है और ये लिक्विड है, यदि वाटर है तो वाटर डेंसर मीडियम हुआ, कोई दूसरा कोई लिक्विड है तो वो डेंसर मीडियम हुआ। तो यहाँ के लिए होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसर मीडियम का निकलेगा कैसे, रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ। इसका प्रूफ भी है, ध्यान देना, इसका प्रूफ भी आपके बुक में है और प्रूफ भी हम कराएंगे। तो अभी तो बस फॉर्मूला हम बता रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम इज रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ। कोई दिक्कत, फॉर्मूला समझ गए? हाँ जी, यस सर, ठीक है, यस सर, ठीक है। और एक हम फॉर्मूला बता रहे हैं, उसका एक्सप्लेनेशन अभी नहीं दे रहे हैं, आगे के एक्सरसाइजेज में इसके बारे में पढ़ेंगे तो आ जाएगा, लेकिन एक जगह पे सारा फॉर्मूला रहे इसलिए बस लिख दे रहे हैं, इसका हम कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम 1/sin c, एक्चुअल में सी को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, जब हम क्रिटिकल एंगल के बारे में पढ़ाएंगे तो पता चल जाएगा। सारा फॉर्मूला एक जगह पे रहे इसलिए हम यहाँ पे लिख, ठीक है। तो इतना सारा फॉर्मूला है, जो 6 फॉर्मूलास हम ऑलरेडी समझा चुके हैं आपको, एक नहीं समझाए जो बाद में आएगा हमारे टॉपिक में। कोई दिक्कत? No, किसी भी पॉइंट में दिक्कत है तो बताओ, नहीं ना? चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, हम मिटाने वाले हैं। मिटा दे? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो ध्यान देना, अभी जो हम एक फॉर्मूला बताए, ये फिफ्थ फॉर्मूला से हम लोग प्रूफ करने वाले हैं, ध्यान देना, फिफ्थ फॉर्मूला का यूज होगा और थर्ड फॉर्मूला का यूज होगा, दो फॉर्मूला का यूज होगा, हम लोग प्रूफ करने वाले हैं। याद करना, लास्ट क्लास में बताए थे कि ग्लास स्लैब से जब लाइट रे को भेजते हैं, रिफ्रैक्ट करता है दो बार, जब एयर से ग्लास में गया बेंड किया, ग्लास से एयर में जाएगा इमिट करेगा बेंड करेगा, तो फाइनली इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे क्या होता है, पैरेलल होता है। उसमें और एक पॉइंट हम बताए हुए थे, एंगल आई और एंगल ई इक्वल होता है, तो आपको प्रूफ करना है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। तो हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, ये दो फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो आते हैं उसमें, प्रूफ में आते हैं, नेक्स्ट क्लास में जितना भी फॉर्मूला बताए हैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल संपादित कराएंगे, ठीक है, कुछ कुछ न्यूमेरिकल करा लेंगे। Yeah.
देखो ध्यान देना, फिगर तो बनाना ही पड़ेगा। फिगर एक बना लेते हैं रफ डायग्राम। ये इंसिडेंट रे है, जाना चाहिए ऐसे, रेयरर से डेंसर जा रहा है टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा। ये बेंड किया, सपोज ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन आप चाहो तो दे सकते हो, ये आर तो यहां पे भी आर बनेगा ड्यू टू एंटरनेट एंगल। ये आर लाइट रे जाना चाहिए था ऐसे, अभी फ्रॉम द नॉर्मल बैंड करेगा तो इस तरह से गया, ठीक है। ये पैरेलल होगा, ये हमेशा पैरेलल होगा। ठीक, इमर्जेंट रे है तो एंगल ऑफ इमर्जेंस बोलेंगे। देखो ध्यान दोगे, यदि हम इस इंटरफेस पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करें, ठीक है, तो बाय स्नेल्स लॉ हम लोग क्या बोल सकते हैं, जब लाइट रे ग्लास को इंटर करता है, व्हेन तब हम लोग बोलेंगे कि साइन आई बाई साइन आर जो होगा साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये कांस्टेंट होगा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देगा। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका देगा, ग्लास का कि एयर का, ये बताओ। ग्लास का, वेरी गुड। जिस मीडियम में जा रहा है तो हम बोलेंगे ग्लास का देगा, इसके रेस्पेक्ट में जहां से जा रहा है, एयर के रेस्पेक्ट में, ठीक है। ये है हमारे पास, अगेन ध्यान दोगे। फिर हम लोग बोलेंगे कि ये इस इंटरफेस के लिए लाइट रे जा रहा है ग्लास से एयर पे, तो हम लोग बोलेंगे कि फिर से हम लोग अप्लाई करते हैं साइन आई बाय साइन आर, लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पे क्या होगा, देखो तो ये लाइट रे इंसिडेंट रे होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू कितना होगा, बताओ। आर यहां पे जितना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना, मान लो कि 30 डिग्री, तो यहां पे भी 30 डिग्री होगा, गौर करना अल्टरनेट एंगल के कारण, होगा या नहीं होगा, एक्सप्लेनेशन चाहिए और समझ गए सर। ठीक है, तो यहाँ के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो हम बोलेंगे साइन आर, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है साइन ई, ठीक है। यहाँ पे हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा जिस मीडियम में लाइट रे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, एयर पे, कहाँ से जा रहा है, ग्लास से। तो ये इक्वेशन वन है, ये इक्वेशन टू, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने वाले हैं। देखो ये है मल्टीप्लाइंग इक्वेशन वन एंड टू, RHS को RHS से मल्टीप्लाई करते हैं, LHS को LHS से,
अच्छा ये बताओगे तो क्या इससे कोई वैल्यू आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का एयर के रेस्पेक्ट में और यहाँ एयर का ग्लास के रेस्पेक्ट में, कोई वैल्यू आएगा यहाँ पे? यस सर, वन। यस सर, यहाँ से वन आएगा। ठीक है, रीजन ऑफ दे देना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विथ रेस्पेक्ट टू वन इंटू वन विथ रेस्पेक्ट टू इक्वल टू वन। चलो लिख भी देते हैं। यहाँ पे देखो तो साइन आर सेम है, कटेगा। फिर बचा क्या, साइन आई बाय साइन ई, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो आया क्या, साइन आई इक्वल टू साइन ई। तो हम लोग कंपेयर करके, याद करना ट्राइगोनोमेट्री में करते होंगे आप, साइन कोई एंगल है और यहाँ पे भी साइन कोई एंगल है, कंपेयर करके साइन साइन को हटा सकते हैं ना, और लिख सकते हैं आई इक्वल टू ई। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो यही इसका प्रूफ है, ये एंगल आई और एंगल ई क्या होता है, इक्वल होता है, और यहां से प्रूफ भी हो रहा है। ठीक है, बस दो बार स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है, एक बार जब लाइट रे इंटर कर रहा है और जब एक बार इमर्ज कर रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, फाइनल आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया? हाँ सर। देखोगे टॉपिक में हम लोग का ये भी है, एग्जांपल्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो चलो कुछ डायग्राम के साथ समझते हैं कुछ एग्जांपल। इसमें से एक एग्जांपल अभी हम बताए भी कि कोई कंटेनर पे पानी भर दिए, कॉइन यदि हम डाल दिए उसमें, कॉइन एक्चुअल जितना डेप्थ पे होता है थोड़ा रेज्ड अपीयर होता है बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट है कि जब हम लोग क्या करते हैं, एक मान लो कि पेंसिल है इस तरह का, कोई कंटेनर में इस तरह पेंसिल हम डुबो के रख दिए, ठीक है, ये पानी से भरा हुआ है, क्या होता है पेंसिल ऐसे जब डुबा के रख देते हैं क्या अपीयर होता है बता सकते हो? सर वो थोड़ा रेंज अबाव होता है ना, उतना साइड में दिखता है, ऊपर की तरफ बेंट हो जाए, यहाँ दिखेगा, जिस कारण से है या कोई पेंसिल है वो बेंट अपीयर होता है, टूटा हुआ अपीयर होता है, लगता है कि यहाँ के बाद टूट गया, टेढ़ा हो गया, इस तरह का अपीयर होता है। रीजन यही है, हम लोग एक एक हर एक पॉइंट का तो इमेज नहीं दिखा सकते हैं, बस टिक का यदि हम लोग दिखाएं इमेज
तो बोलेंगे यहां से लाइट रे जा रहा है इससे, ठीक है, बेंड करेगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, ऐसे गया यहां से लाइट रे ऐसे गया, नॉर्मल है अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड किया ऐसे। ये जो लाइट्स है ये रिफ्रैक्टेड रे, ये आप करना इमेज के बारे में पढ़े होंगे, इमेज का डेफिनेशन क्या है, द पॉइंट एट विच लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन मीट और अपीयर टू मीट इज नोन एज इमेज। लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद जहां पे मीट करता है इमेज बनेगा, रिफ्रैक्ट होने के बाद जहां मीट करेगा इमेज बनेगा, एक्चुअल में मीट करेगा तो रियल इमेज, और एक्चुअल में मीट ना करेगा अपीयर होगा मीट करता हुआ तो बोलेंगे वर्चुअल इमेज। याद है ना ये सब सारा कॉन्सेप्ट आप पहले से ही पढ़ते रहे होंगे, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लाइट रेस से जा रहा है, लाइट रेस रिफ्रैक्ट किया और रिफ्रैक्शन के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट करता हुआ अपीयर होता है, पीछे यदि बढ़ाए तो देखते हैं कि ये पॉइंट पे मीट कर रहा है, मतलब इसका जो टिप है यहां पे दिखेगा ऐसे इस तरह, मतलब एक्चुअल में है ऐसा लेकिन वो टिल्टेड लग रहा है, बेंड हुआ टूटा हुआ सा नजर आता है। आपके बुक में हो सकता है फिगर वगैरह भी दिया हो, मान लो कि कलरफुल फिगर होता है तो अच्छे से देखने को मिलता है, लोअर क्लास में कलरफुल फिगर वगैरह था याद करना, कि एक स्टिक है मान लो कि पानी में, तो पानी का सरफेस से जहां नीचे वाला पोर्शन है वो थोड़ा लगता है टूटा हुआ सा, मतलब लगता है ऐसे टेढ़ा है, ठीक है, बेंड हुआ अपीयर होता है बिल्कुल इसी तरह से, क्यों, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ही कारण इसका इमेज जो है वहां बन रहा है, और हम लोग जो बाहर से देख रहे हैं एक्चुअल ऑब्जेक्ट को नहीं देख रहे हैं, उसका एक इमेज देख रहे हैं, ठीक है, इसीलिए ऐसा होता है। और ये एक एग्जांपल हुआ, दूसरा एग्जांपल कॉइन रेज्ड अपीयर होता है वो हुआ। देखोगे ये भी इसका डायग्राम तो नहीं बता बना रहे हैं, बस समझो कोई ग्लास स्लैब है, मान लो कि टेबल प्रिंसिपल चैम्बर में आप जाओगे तो अधिकतर ये देखने को मिलता है कि टेबल है और टेबल के ऊपर एक ग्लास स्लैब है, मान लो कि 5 mm का मोटा यदि होगा तो 10 mm का एक मोटा ग्लास स्लैब, उसके नीचे मान लो कि प्रिंसिपल रखे हुए हैं, रूटीन रखे हुए हैं अलग अलग क्लास का, कैलेंडर रखे हुए हैं, तो तरह तरह की चीजें जाते तुरंत दिख जाता है जो जरूरी चीजें। तो ग्लास स्लैब जो है एक्चुअल थिकनेस मान लो कि ग्लास स्लैब का ये है 10 mm का ग्लास स्लैब है थिकनेस, प्रिंट जितना नीचे होता है एक्चुअल में हम साइड से देखते हैं तो थोड़ा डेप्थ ज्यादा लगता है, लेकिन प्रिंट जब हम लोग ऊपर से देखते हैं तो थोड़ा ऊपर अपीयर होता है, मतलब एक्चुअल जितना डेप्थ है लेटर्स जो प्रिंटेड है वो एक्चुअल डेप्थ हमें ना देखते थोड़ा ऊपर दिखता है, ठीक है, अपरेंट डेप्थ क्यों ऊपर देखता है, रीजन यही ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है? यस सर। यस यस सर। ठीक है, देखो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार भी नेक्स्ट क्लास में समझाते हैं, लेकिन रीजन यही है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का भी रीजन है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से एटमॉस्फेयर का जो डिफरेंट लेयर्स है, सबसे ऊपर वाला जो लेयर है एटमॉस्फेयर का उसका डेंसिटी कम है, जैसे जैसे नीचे आते हैं डेंसिटी बढ़ते जाता है, क्यों, जैसे जैसे नीचे आते हैं डस्ट पार्टिकल्स ज्यादा होता है, सबसे ऊपर वाला पार्ट में डस्ट पार्टिकल वगैरह नहीं होता, भारी चीज तो नीचे रहेगा, तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर आओगे एयर का डेंसिटी बढ़ता है, तो लाइट रे जब इंटर करता है एटमोस्फियर पे तो थोड़ा बेंड करता है, रिफ्रैक्ट करता है, इसको हम लोग बोलते हैं एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन, और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का ही कुछ एग्जांपल्स नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, याद दिला देना, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, दूसरा हो गया कि सन, एक्चुअल सनराइज जो होता है, एक्चुअल सनराइज मान लो कि 5 बजे हो रहा है,
लेकिन हम लोग को 2 मिनट पहले ही दिख जाता है, 4:58 में ही दिखेगा सन राइज होता हुआ, हम लोग 2 मिनट पहले ही देख पाते हैं ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सनसेट हो चुका है लेकिन फिर भी 2 मिनट बाद तक भी दिखता रहता है ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन। डायग्राम से नेक्स्ट क्लास में समझाते हैं, ठीक है। और एक ये भी बुक में जितना कुछ दिया हुआ है हम बता रहे हैं, देखते होंगे एक लेमोनॉइड वगैरह शरबत वगैरह जो बेचते हैं क्या बोलते हैं फुटपाथ वगैरह में, इस तरह का देखने को मिलता होगा या घर में भी ऐसा ऑब्जर्व कर सकते हो। एक टम्बलर है मेड ऑफ ग्लास, इसमें पानी भर दी, इसके अंदर एक लेमन ठीक है डाल दी, लेमन एक्चुअल में जितना बड़ा होता है उठा के निकाल के देखोगे तो जितना बड़ा दिख रहा है, जब इसमें डाल दिया तो थोड़ा बड़ा दिखता है, क्यों? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मतलब लाइट में जो यहां से निकल रहा है तो वो क्या होता है डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रहा है, तो वो क्या होता है अभी इसका जो बनता है लेमन का उसका इमेज थोड़ा बड़ा बन जाता है, ठीक है। उसका इंटरफेस साइड साइड का जो बात करो तो इमेज जो है हर एक पॉइंट का कुछ दूर बनता है, जिस कारण से लेमन क्या दिखता है जितना एक्चुअल उसका साइज है उससे थोड़ा बड़ा दिखता है, ठीक है। यहाँ पे भी रीजन है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है यहाँ तक?